क्या नाम है आपका? शारदा। अच्छा, तो आपके यहाँ पर मुख्य प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो इन्होंने बता दी सड़क की, पानी की, इनसे कितनी परेशानियाँ होती है? 5 साल में फेमिन को कदी मुंडो नहीं देखियो जान, वो नरेगा चालू नहीं है यहाँ पे, पानी के नहीं आवे, कोई सहायता नहीं है, कोई सहायता नहीं है। तो तब नेता यहाँ वोट मांगने पहुँचते हो तो आप बोलते नहीं कि हम नहीं बोलते के कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, सहायता वोट ले, वोट जिता दो, मान घणे फायदा कर, आर पासो मुंडो ही नहीं बता, आते वापस ही नहीं आवे, वोट मांग के चले जाते हो, जीते मोरे ने जावे, जीते जो को खावे मन, आप पढ़े हुए हो? ना, पढ़े नहीं, पढ़ाई वढ़े नहीं की, ना कहीं। तो आपके क्या यहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं देते क्या? ना, लड़का पढ़ रहे, आप पढ़े हुए? मैं 10th क्लास में, 11th आऊंगी, अभी 11th में आओगी, बहुत बढ़िया। ये सब बच्चे पढ़ते ही, आप पढ़ाते हो? सब बच्चे पढ़ते हैं। तो देखा आपने कि इनका कहना है कि जो नेता आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं और फिर तो कुछ वापस आते वाते नहीं है और कुछ काम नहीं करवाते है। जो सड़कें देख सकते हो आप, पूरा क्षेत्र देख सकते हो, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए पूरा का पूरा है, जो कोई सड़कें नहीं बनी हुई है और पूरा का पूरे कोई पानी की सुविधा नहीं है, नल टूटे हुए पड़े हैं, पीने के लिए पानी ला रहे 1 किलोमीटर से, वहाँ गांव के बाहर वाटर पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ से पानी ये लेडीज हैं उठा के लाती है। तो महिलाओं की बात करें तो आपके यहाँ किसी को आंगनबाड़ी वगैरह मिली हुई कोई? नहीं मिली हुई। अच्छा, आंगनबाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिले। अच्छा, जो और भी होता है सिलाई की मशीनें वगैरह सरकार की तरफ से होती है? नहीं मिली आपकी, नहीं कुछ। 100 रुपए कैसे होते मिलने के लिए? 100 रुपए के जब कांग्रेस सरकार थी तब कुछ लाभ मिला था, वो पैकिंग वगैरह, फूड पैकिंग वगैरह मिलता था? मिले। गेहूं मिलते हैं आपके? गेहूं मिलते, गेहूं मिलते, पहला डबल मिलते, अब एक मिलते, जीव दी 5 किलो मिलते, पहले डबल मिलते थे, अब एक सिंगल मिलते, कहीं नहीं मिले सरकार, पहला मिलते जमीन व्यक्ति सब होते, अब नहीं भे, अब नहीं हो रहे, 5 साल हो गया, कहीं नहीं। तो आप अभी जो इतने नेता खड़े हुए, रविंद्र सिंह भाटी, उम्मेदवार राम बेनीवाल और कैलाश चौधरी, जानते हो किसी को? सब जानते हैं, फोन तो होगा ही, आप सभी का जानते ही होगे, आप जानते हैं सब, हम वोट ही देख दे रहे हैं, हम सब जानते हैं, हम आप आके पास आवे, आप पास मुंह ही नहीं बता, आके चले जाते वापस, मुंह ही नहीं दिखाते। आओ, तो इस बार किस पार्टी को आपने मन बनाया है कि इस पार्टी को हम जितवाना चाहेंगे? मोदी जी को जिताना चाहेंगे, भाजपा को, मोदी जी को, मोदी जी पसंद है, और कोई नेता पसंद नहीं। दोस्तों नमस्कार, चुनावी यात्रा चल रही है और आज अंतिम दिन है, आज लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का भी अंतिम दिन है, कुछ ही देर में जो प्रचार प्रसार का जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो रैलियां है, सभाएं है, कोई भी नेता है वो नहीं कर सकेगा। और इस वक्त हम बायतू विधानसभा के बाटाडू गाँव में मौजूद है, यहाँ हम पहुंचे हैं, एक इलाका है छोटा सा, यहाँ पर सांसियों की बस्ती इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पर करीब कितने घर हो गए आपके आगे? 30 घर है, 30 घर है यहाँ पर, सांसियों समाज के 30 घर है। और कितने वोट हो गए? 100 वोट है, 100 वोट है, 100 वोट है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि इनके पास कौन सा नेता है जो वोट मांगने के लिए यहाँ पहुँचा था, क्योंकि लगातार 1 से 1.5 महीना हो चुका है नेता है जो अलग अलग रैलियाँ सभाएं कर रही है और प्रत्येक क्षेत्र में जाकर वोट मांगने आ रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कौन सा नेता वोट मांगने के लिए पहुँचा था और इनके क्षेत्र में क्या काम है जो नेताओं ने करवाए है। क्या नाम है आपका? चित्राराम। चित्राराम जी, जी अच्छा, क्या काम करते हो आप? हम तो ये श्रम कार्य का, सिलाई का, जूता सिलाई का करते हैं। अच्छा, तो वो आपके पास जो अभी चुनाव, कल परसों चुनाव है, लगातार नेता वोट मांगने के लिए घूम रहे थे, प्रचार प्रसार के लिए घूम रहे थे, आपके पास कौन सा नेता पहुंचा? हमारे पास तो कैलाश चौधरी आए थे आपके पास वोट मांगने के लिए। तो बाकी नेता आते नहीं हमारे पास, आते ही नहीं है। तो आप इस बार कैलाश चौधरी को आपने समर्थन दिया है? कैलाश चौधरी, पहले जब सांसद रहे कैलाश चौधरी, तब भी आपने कैलाश चौधरी को ही वोट दिया? कैलाश चौधरी को ही दिया, कैलाश चौधरी को दिया। तो आपको नहीं लगता कि मतलब पहले जब कैलाश चौधरी को टिकट मिली थी तब कोई लोग यहाँ के बात करे, बायतू क्षेत्र के, बाटाडू के लोग खफा से उनसे कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं करवाए, और अब सब लोग कैलाश चौधरी की तरफ चले गए? उसमें ऐसा है सर, कैलाश चौधरी
केंद्र में चले गए तो केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए, फिर पूरे भारत का बजट ऊपर आ गया। ठीक है, आना जाना तो कम ही था, बाकी मोदी सरकार में काम बहुत हुआ है और कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है। बस कांग्रेस भ्रष्ट और क्या दो, हमारे जो राज्य सरकार कांग्रेस की थी, 5 साल के अंदर नरेगा का एक भी हाजिरी नहीं मड़ी, एक भी हाजिरी नहीं मड़ी आपके यहाँ नरेगा रिकॉर्ड दिखा निकाल लो। तो मोदी जी क्या करते, वो तो केंद्र से बजट भेज देते हैं, फिर यहाँ तो काम करवाना राज्य सरकार का होता है, कुछ नहीं करवाते। जो पानी की पाइप लेने मोदी जी ने भिजवाया, पाइप लेने बिछा के भग गए, पानी अंदर भेज नहीं रहे, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, लाइन बिछा दी पानी आई नहीं, लाइन बिछा दी, कहीं बिछाई भी नहीं, पैसे खा गई। नहीं, नरेगा का पैसा तो केंद्र और राज्य का दोनों का भी, नरेगा तो ये तो होना चाहिए फैमिली वर्क, तो वो कहाँ गया 5 साल में, हमारा कहाँ गया जो राज्य सरकार कांग्रेस की थी, कहाँ गया हमारी हाजिरी, कहाँ गई, खा गए पैसे, खा गए। और मोदी जी ने क्या किया, बहुत अच्छा किया, घर घर आवास कर दिया। आप ये जो बैठे हो, ये आवास है, आवास दिया हुआ बच्चे का है, और मैं विकलांग हूँ, मेरा आवास तो यहाँ के सरपंच ने और कांग्रेस वालों ने काट दिया, विकलांग हूँ, विकलांग हूँ। आपको विकलांग 50% आपकी आपकी विकलांग की कोई योजनाएं मिलती है आपको? कुछ नहीं मिला, बस कुछ नहीं मिला, यहाँ सरपंच भी भ्रष्ट है और कांग्रेस सरकार भी भ्रष्ट, कोई योजना आपको नहीं, कुछ नहीं मिला। तो आप यहाँ पर कैलाश चौधरी, आपके यहाँ इलाके में जो सांसियों का बस्ती है, यहाँ पर पहुंचे तो आपने कुछ अपील की थी उनसे, शर्तें रखी थी कुछ? हमने अपील की, हमारी सीसी रोड मैं बनवा दूंगा, पहले कोई का एप्लीकेशन नहीं थी, सीसी रोड बना लूंगा, पानी डाल दूंगा, आपसे हो तो मेरे को वोट देना, तो आपसे सब वादे करके गए, सब वादे करे, बोला जो आपका काम रहा वो पूरा करेंगे। क्या क्या बोल गए? बोल के गए जो काम आपके बाकी है वो पूरा करेंगे, जो अधूरा है वो काम पूरा करेंगे। और जहाँ बात करें जो बाकी प्रत्याशी है, उम्मेदाराम बेनीवाल है, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी है, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? वो तो आप बोल रहे हो आपके पास वोट मांगने के लिए पहुंचे नहीं, तो उनकी सोच क्या है सर? कुछ नहीं है, उनकी क्या सोच है? हमारे पास आए भी नहीं, हमारे पास आए नहीं तो उनकी सोच क्या बताए? आप यहाँ आए तब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं आते तो आपको क्या पता क्या बोल रहा, हमारे पास आते भी नहीं, आए नहीं बिल्कुल। तो अगर मांगने वोट मांगने आपके पास आ भी जाते तो आप किसको वोट करते? तो हम तो कैलाश चौधरी को करते, हमारे को तो मोदी जी पसंद है। अच्छा, मोदी ही पसंद है, केंद्र में आपको मोदी ही चाहिए? बस मोदी है तो मुमकिन है। तो आपके जो सांसद रहे कैलाश चौधरी, आपके क्षेत्र में जो आवास दिया ये तो केंद्र सरकार का मिला हुआ है ना? केंद्र सरकार तो नाम ही प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा कौन देगा? कितना बजट आया था इस मकान का? इसका आया 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। पैसे तो सर घर के लगे, मजदूरी करके लगे, 5-4 लाख से कम नहीं बनता है, लेकिन उन्होंने दिया तो है, हमारे घर से क्या लगा है। तो आपके क्षेत्र में कितनी बस्तियां होगी? आप देख सकते हो कि जो बस्ती है उसमें से अलग अलग प्रकार के सभी के छोटे छोटे अच्छे से घर बने हुए हैं, और सबके लगभग बताए तो छत है जो सबकी पक्की बनी हुई है, तो ये सब मोदी सरकार से आवाज, सब मोदी सरकार, एक मेरा ही नहीं बनाए। आप कैसे चूक गए? मैं चूक गया, यहाँ का सरपंच बदमाश था, लैप्स कर दिया कुछ हुआ, बाकी मैं तो SC ST में विकलांग में। तो आपके क्षेत्र की पढ़ाई की बात करें, हाँ, तो आपको काफी समय हो गया है यहाँ पर, आपकी पीढ़ियाँ निकली होगी, कितनी पीढ़ियाँ? देखो सर, पहले तो हम जमाने में समझते नहीं थे, घूमकर जाति में आते हैं हम सांसी लोग, बात आ गया समझ में, और हमारी समझ है, उसके बाद में बच्चे पढ़ते, नौकरियाँ लगे नहीं, कोई 10वीं है, कोई BA किया हुआ है, और अभी भी पढ़ रहे 20-30 बच्चे। तो आपके यहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी होगी? गवर्नमेंट स्कूल है पास में, घरों के पास में। पढ़ाई करती हो? इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, आप बोलना, आप जाते हो स्कूल? इधर आओ, आ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 में पढ़ते हो? कितने बच्चे आपके यहाँ पास पास के, कितने बच्चे पढ़ते हैं? 50-60 बच्चे। स्कूल वगैरह सब अच्छे, मास्टर अच्छे से पढ़ाते? हाँ, अच्छे पढ़ाते, बढ़िया एकदम। हाँ, बढ़िया पढ़ाते। तो आगे पढ़ के क्या बनना है आपको? मुझे तो आर्मी बनना है। आर्मी में जाना है, फौजी बनना है? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप भी पढ़ाई करते हो? तो देखा आपने, ये बच्चे छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, इनका कहना है कि हमारे यहाँ स्कूल की तो व्यवस्था, देश की सेवा करना है। ये जो सरकारी स्कूल है कितनी तक, 12वीं तक है? नहीं, यहाँ 5वीं है, हम यहाँ बैठे बाटाड़ू में, लेकिन हमारा पंचायत मुख्यालय सिंगोड़िया लगता है, वहाँ पर 12वीं तक होगी, वहाँ 12वीं है, हमारे बच्चे तो यहाँ गाँव में ही जाते हैं, 12वीं बने हुए यहाँ, और 5वीं स्कूल ही हमारे घरों के पास में। तो
क्या नाम है आपका? हमारा नाम ताजा राम। ताजा राम जी, क्या काम करते हैं आप? भी यही काम करते हैं? हम ये जूते सिलाई करते हैं। जूते सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, तो आपका आपका भी घर पक्का बना होगा प्रधानमंत्री आवास? बिल्कुल, आवास मिला हुआ। आवास मिला हुआ है ना? बिल्कुल। फिर भी आपकी तो विचारधारा, वैसे भी आवास मिला है तो बीजेपी से होगी? बीजेपी से, हमारे मोदी को देंगे वोट। बाकी जो प्रत्याशी है उनकी बात करें तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या सोचते हो उनके बारे में? क्या उनके बारे में, वो हमारे पास यहाँ आए नहीं, नहीं उनके कोई प्रचार वाले आदमी आए तो उनको क्या बोलेंगे हम? आप फोन वोन अच्छा रख के बैठे, फोन पर प्रचार प्रचार के वीडियो कभी नहीं आते क्या? वीडियो तो बहुत आते हैं। वीडियो आते हैं? बिल्कुल आते। तो उनसे कभी प्रेरित नहीं हुए कि आप, हाँ ये नेता अच्छा कर रहा है? फोन पे तो आते हैं, बजरंग के भी आते हैं, भाटे के, हमारे को फोन देना फलानी तारीख की मीटिंग है, फलानी तारीख ऐसे, हमारे घर पे ही नहीं आके बोलते तो हमारे क्या देना वोट, कोई मतलब नहीं। हाँ यही बात है कि वोट मांगने के लिए नहीं पहुँच रहे आप, कहना ऐसा। जो ये कंप्यूटर वाली कैसेट है ये भिजवाते हैं फोन पे, फोन आते हैं उसमें। हाँ, मैं रविंद्र पाटी बोल रहा हूँ, मैं अमिता राम बोल रहा हूँ, हमारे को वोट देना, ऐसा यहाँ हमारे बस्ती में नहीं है, कोई नहीं है। फोन आते हैं बोल देते हैं कोई नेता पहुंचा, तो फोन ऑटोमेटिक किया हुआ कट जाता वापिस। और हमारे तो काट देता हूँ, एक बार आवाज सुनते ही काट देता हूँ, कोई मतलब नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें? सही है, क्यों टाइम वेस्ट? 7 साल हो गए हमारे को पानी की बहुत एकदम परेशानी फुल। टैंकर डलवाते हैं 700 रुपए लेते हैं, टैंकर देके डलवाते हैं मीठा पानी। हाँ मीठा 500 लेते हैं, वो भी ट्यूबवेलों का है, मीठा ही नहर वाला तो कहाँ सप्लाई ही नहीं आता, कहाँ से आई? क्या क्या बोल रहे हो? ट्यूबवेल का पानी है 600 रुपए टैंकर से देके डलवा रहे हैं, काफी साल हो गए हमारे पानी पर, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं पानी की बिल्कुल। हमारे साथ टूटी लगाई हुई पड़ी है, पानी नहीं आ रहा। माता जी क्या नाम है आपका? की नाम है आपका? मरना पारू। की नाम है? पारू। पारू पारू। अच्छा, आप इतना वोट मांगना आया था नेता जी? कोई कोई है तो एक बड़े खेला चौधरी जी के आया था वोट मांगने। खेला चौधरी आवे, दूसरा कोई को आवे? दूसरा कोई को नहीं आया। तो थे भी काफी वोट दिया ओला, कहना वोट करता हो शुरुआत में? कहना वोट करता हो? वोट है नहीं, कहना करता हो पेल वोट? कहना किना था थे, मोदी ने करता हो या कांग्रेस ने करता हो? मोदी ने। मोदी ने करता हो वोट? नरेगा भी जी चले ना? नरेगा कौन चले? और पेंशन की बात करो तो थोड़ा पेंशन तो जाति को ले उम्र की है तो पेंशन भी जावे? पेंशन विधवा पेंशन आवे? आप कितने आवे? 1000 रुपये। तो मकान तो सबर अच्छा बनोड़ा है, दिना है प्रधानमंत्री दिना है। पानी री पानी कितना लाया करो? पानी टैंकर लगा 2-3 किलोमीटर आवे। टैंकर न खाओ महीने कितना नखाना पड़े? 2-4 नखाना पड़े धन्य बीते। खारो पानी भी नहीं है पास में? खारो पानी भी नहीं है? ओदी वोदी कोई गांव में पास में? ओदी वोदी ओदी घने में पानी आवे कोई नहीं? अठे तो बकरी रखते हैं पानी में तो सही। ओदी वोदी भी नहीं है? अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? धन बकरी रखते हैं उसमें पानी के 2 टैंकर डलवाने पड़ते हैं हमको हर महीने के, 600-1200 रुपये लगते हैं। हमारे को क्या फायदा? पानी तो हमारे को आता नहीं है। आज से 5 साल पहले पानी बंद हो गया था, बीच में खारा आता था वो भी अब बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। खारा आता था वो भी बंद हो गया, ये बात है। बहुत परेशानी है पानी की। देखो नदी टूटी हुई पड़ी है, लगा दी पैसे खा के बेंचों, पानी कहीं नहीं आता। कहाँ पर वो बड़ी वो? ये अब कनेक्शन है। हाँ, तो ये देख सकते हो दोस्तों आप कि इनका कहना है सांसियों की बस्ती है, यहाँ करीब 100 घर है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो नलिया है टूटी हुई पड़ी है, इसमें लगा के तो चले गए पर पानी की कोई व्यवस्था किसी नेता ने अभी तक नहीं की है। 25 घर है, 25 में टूटी ऐसे लगी हुई। तो आप सरकार से जो सांसद बनेगा उससे क्या अपील करना चाहोगे? उससे हम पहले पानी वाली करेंगे, दूसरी सड़क, पहले पानी दूसरी सड़क। हाँ ये अपील करेंगे, बिल्कुल ये चाहिए आपको। ये हमारे को बोला हुआ है यहाँ, अब देखो करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी। हमारे साथ और मात्र शक्ति भी, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दौड़ो मत, नाम तो बता दो। गैसरी टंकी बांधनी फेमिन माते वही हमको सहायता की दिनी को सहायता नहीं मिली। आपके यहाँ क्षेत्र में कितने घर है आप? 20-25 घर। कहाँ है आपका पीर? पीर मेरा फलोदी शायद। फलोदी? फलोदी पोकरण वो वाला फलोदी, वहाँ पर भी यही हालात है आपके? वहाँ पर आपके अनुसार आपके समाज के कितने घर हो गए? वहाँ पर भी है 20-25 घर। 20-25 घर है ना, तो वहाँ पर भी ऐसे ही हालात हो गए पानी की? मांगे कुछ नहीं कहीं।
तो आपके समाज में कैसे कल्चर कैसे, इधर कैमरामैन सही को सिखाऊंगा, इधर हमारे सामने आए, आपके यहाँ कल्चर की बात करें तो कैसे महिलाओं को आगे पढ़ने बढ़ने देते हैं कि नहीं? कहीं नहीं देते हैं, पढ़ाई वगैरह नहीं करने देते, पढ़ाई वगैरह करे है बच्चा तो करे, मैं तो किन्नी को नहीं, अभी करने देते हैं बच्चियों को, ये बोली 10 बजे तक। आप कितने तक पढ़े हुए? 10 तक। आगे पढ़ाई छोड़ दी क्या? नहीं, आपकी बच्ची है? दोती है। आगे पढ़ाना चाहते हो? पढ़ाने तक बारहवीं करा के छोड़वाना चाहते हो? आगे आगे पढ़ाना चाहते, आगे पढ़ाना चाहते हो? लड़कों की बात करें तो यहाँ लड़की कहाँ तक पढ़ के छोड़ देते, काम काज में लग जाते या आगे पढ़ते? पढ़ती लड़की, लड़की पढ़ रही बारहवीं तेरहवीं शब्द में पढ़ा रही। अच्छा, पढ़ा रहे हो तो आपके समाज में तो जल्दी नौकरियाँ वोकरियाँ भी जल्दी लगती है? जल्दी नौकरी लगती लगी तो। कौन सी क्लास तक पढ़ी? मैं बी ए फर्स्ट ईयर की हुई है। फर्स्ट ईयर की हुई है। फिर आपके समाज में, आपके कास्ट में तो जल्दी नौकरियां वगैरह लग जाती है? सर कोशिश की है और नहीं लगी है, कोशिश चल रही है अभी। कोशिश चल रही है। आपके यहाँ 100 घर है करीब, कितने वोट बताए थे आपने अभी? 200 वोट हो जाएगा। 200 वोट में से कोई भी एक सरकारी कर्मचारी है क्या? नहीं है सर, सरकारी कर्मचारी नहीं, पहले वाले नहीं पढ़ते, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही है, सब है। एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं? नहीं, हमारी समाज में नहीं है, सांसी समाज में। पास में आपके गांव में है क्या और समाज, सांसी समाज? नहीं, ये यहाँ पे, ये गांव में तो उधर बाईतू में है, बाईतू में है सरकारी कर्मचारी, उधर 50 घर है तो 4-5 सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी है, हाँ है। अच्छा, यहाँ काम काज की बात करें तो सभी यही काम करते है कि आप कोई और भी? यही है काम हमारा तो, जो खानदानी काम है वही? हाँ, वही चल रहा है अभी तक तो, दूसरा तो कुछ भी नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। हाँ। तो वो वोट आए, आप होशियार हो गए, आपने कुछ शर्तें रखी होगी नेताजी के सामने में? हमारे को मोदी जी को वोट देना है, ये है, दूसरा कुछ। पहले केंद्र राज्य सरकार थी, उसका विकास कुछ हुआ नहीं 5 साल में, मोदी जी जो आवास दे दिया है, दूसरा तो कुछ भी नहीं मिला हमारे को, ये बात है। और पहले 5 साल और नरेगा वाला भी मिला, अभी 5 सालों के राज्य सरकार थी कांग्रेस की, कुछ भी नहीं मिला। सरपंच हमारे को कुछ भी फायदा नहीं दे रहा है, ये बात, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आप भी पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 8 में पढ़ाई करते हो? अच्छा, आगे पढ़ने का मन है? अभी एग्जाम तो हो गए ना, रिजल्ट आ गया? नहीं आया, अभी आएगा। अच्छा, कितने भाई बहन? 6 भाई बहन। पापा जी क्या काम करते हैं आपके? हड्डी का ठेका। अच्छा, ये ठेकेदारी करते हैं हड्डी का, जो आपके खानदानी काम है ना? अच्छा, खानदानी काम है ना आपके भी, वहाँ सब समाज में यही काम करते हैं? तो आपके यहाँ जो इतनी सारी, मैं देख सकता हूँ कि महिलाएं बैठी, इनमें से पढ़ा लिखा कोई नहीं है क्या? कोई नहीं पढ़ा लिखा? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा लिखा है इनमें से? नहीं नहीं, महिलाओं में, यहाँ महिला ही है ना? बारहवीं किसके घर रखी है आप में से? वो 5वीं पढ़े हुए और 10वीं, ये बच्चियाँ जो 10वीं पढ़ी हुई है, और महिलाओं में कोई 10वीं नहीं पढ़ा हुआ आपके? तो आपके क्या पढ़ने नहीं दिया था या छोड़ कैसे दिया? पढ़े ही नहीं यहाँ पे, जब पढ़े ही नहीं। अच्छा, तो आपके तो वक्त में कोई पढ़ता ही नहीं होगा, स्कूल देखी ही नहीं होगी? देखी नहीं, मैं तो होती कोई स्कूल तो होती, पर बता ही नहीं, माता पिता पढ़ने नहीं देते। पहला अब तो आप क्या बच्चे को पढ़ाना चाहते हो? बच्चे थे मार्ग, बच्चे पोता पोती पढ़े है, पढ़े बेटा बेटी को, बेटा काम करे, बेटा तो धंधो करे। आप है, आप रहे, कितना लड़का आप? 5 लड़का, 2 लड़कियाँ। 2 लड़कियाँ। मकान वगैरह मोदी सरकार है पक्का दिनोड़ा आप रहे? कहीं मकान हाँ है, मकान दियोड़ा दियोड़ा है, आवास दियोड़ा, आवास दिया मोदी। अच्छा, तो आप सभी मतलब ऐसे घर है, सब रेल बेल के सब साथ में ही रहते हो ना? हाँ, साथ में ही रहते, सभी भाई भाई हो? हाँ, सब भाई से एक परिवार है। कितने कितने परिवार यहाँ? 100 बताए, कितने घर बताए आपने? कितने 20 घर है? 20-25 घर है। 25 घर है। 600 रुपया ले टंकर रहा पानी रहा, 600 रुपया दे जन खारो पानी आवे, मीठो पानी बड़े मात्र में रोकन ना। मीठो पानी है तो ओदी भी दिए ना? ओदी है, ओदी है गांव पहली, हम जाए सब जाए, तमड़ भर लावा। 1 किलोमीटर तो भर के लाते, सर पर रखते हैं? सिर पर लगा भर के लाते। अच्छा, अभी भी जाते हो क्या? हां, अभी भी ले ना आया, लेस्ट में जा गए, अभी भी ले ना आया। अभी दोपहर को आप लेके आए हो?
तब तीसरा तो रही जो पढ़ाई करते हो आप कौन सी क्लास में चौथी चौथी में पढ़ते हो हैं आगे क्या बनना है पढ़ के क्या मास्टर बनना है पत्रकार बनना है क्या बनना है बता आपको कि लड़कियां भी पत्रकार बनती है पढ़ा पूरा यान पढ़ा तो आप ऐसे सोच रखते हो कि हमारे बच्चे भी पढ़ने चाहिए आगे बढ़ने चाहिए हाँ तो दोस्तों आपने देखा हम बाटाड़ू गांव में थे आप देख सकते हो पूरा नज़ारा किस तरीके से है यहाँ पर सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है इनका कहना है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर हम पानी यहाँ पर सर पर रख के जो जल यहाँ से लाते हैं मीठा पानी पीने के लिए जो टैंकर डलवाते हैं वह भी 600 से 1000 रुपये लेते हैं वह भी खारा पानी पीने को मिलता है और इनका कहना है कि हमारे जो समाज की महिलाएं हैं वह कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी किसी की अभी तक नौकरी वोकरी इनके समाज में किसी की यहाँ पर गांव में किसी की नहीं लगी हुई है और ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।